ददरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी TFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटलिटी, दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा, अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। बिहार का गौरव, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सुबह 9 से संध्या 4 बजे तक हर दिन। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। एक्सक्लूसिव वेडिंग कलेक्शंस के साथ करिए शादी की तैयारी, प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में, अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। दरभंगा में किराना व्यवसायी की गला रेत कर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां आपराधिक वारदातों में कमी का कोई आसार इन दिनों नजर नहीं आ रहा। अपराधियों में मानो पुलिस का भय खत्म सा हो गया हो। आए दिन कोई न कोई किसी को ऐसे चाकू और गोली मार दे रहा है जैसे एक बार पुराने दिनों की याद ताजा हो गई हो। ताजा मामला APM थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार की देर रात थलवारा सिरनिया पथ में ब्रह्मोत्रा के निकट एक किराना व्यवसायी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान APM थाना क्षेत्र के मलहीपट्टी उत्तरी पंचायत के 45 वर्षीय बेचन महतो के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पारिवारिक सूत्रों की माने तो मृतक की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हत्या के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आने की संभावना है। एक अनूठे प्रयोग को लेकर दरभंगा शहर सुर्खियों में है। यह बिहार के पहले महिला जिम की स्थापना को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। शहर दरभंगा की महिलाएं अब पर्दा सुरक्षा युक्त व्यायाम शाला में जा सकेंगी। 14वें वित्त आयोग की राशि से दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 21 स्थित हरिबोल तालाब सह पार्क के परिसर में महिलाओं के व्यायाम हेतु जिम संयंत्र का उद्घाटन हुआ। मात्र 8,96,000 रुपए के व्यय से 10 व्यायाम संयंत्र का अधिष्ठापन किया गया है। इसमें विशेषकर पर्दा और सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। जिम का उद्घाटन महिला IAS उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस ने किया। महिला पदाधिकारी से उद्घाटन सम्मान में नगर विधायक संजय सरावगी, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर आयुक्त कुमार गौरव उपस्थित थे। सरकारी स्तर पर दरभंगा में यह पहली व्यायामशाला का अधिष्ठापन किया गया है। जहां तक बिहार की बात है, महिलाओं के लिए यह पहला सरकारी व्यायामशाला है। दरभंगा शहर के खूबसूरत हरिबोल तालाब के पश्चिम और दक्षिणी कोने में घेराबंदी कर पर्दा युक्त महिलाओं के लिए यह जिम बना है। इसके रखरखाव और संचालन के लिए 21 सदस्यीय महिला समिति का भी गठन किया गया है। वार्ड नंबर 21 की पार्षद पदेन सदस्य होंगी। नगर निगम इसका संचालन करेगा। वर्तमान में इसमें कोई शुल्क नहीं रखा गया है। एक माह संचालन के बाद इसमें आए सुझाव पर इसकी नियमावली बनाई जाएगी। समय समय पर महिला पुलिस इसका निरीक्षण करती रहेगी। इस संदर्भ में निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा ने SSP को भी सुरक्षा हेतु आग्रह किया है। 2019 में सैकड़ों लोगों के साथ शिरडी साईं यात्रा के दौरान पार्षद मधुबाला सिन्हा ने वहां स्थापित इस व्यायामशाला को देख महिला सहयात्रियों की मांग पर इस योजना को स्वीकृत करवाया था। कोरोना के कारण यह कार्य लंबित था। नागपुर से सभी जिम के संयंत्र आए हैं। इसे देखने हेतु लोगों की भीड़ शिलान्यास के दिन से ही लगी हुई है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी महिलाओं के लिए भी
बहुत जरूरी है ये व्यायाम, और नगर निगम से राशि मिले महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगी, क्योंकि मैं खोलने के लिए हमको महिलाएं ही जागरूक कर रही थी कि मैडम खोलिए, हम लोग देखे हैं, हम लोग को भी चाहिए खोलने के लिए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग वॉक में यहाँ घूमती थी। तो फिर हम लोगों ने नगर निगम में रखे बात, नगर निगम से मिल गए हैं का पहला महिला जिम प्रारंभ, और यहाँ महिलाओं को जिम करने में सुबह सुबह जो अच्छा होगा, पहला जिम है। और कल ही परसों 21 जून अंतर्राष्ट्रीय महिला योग दिवस, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 180 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ, पूरे देश में भी हुआ। तो और आज 23 तारीख को हमको महिला जिम का प्रारंभ हुआ। आज के समय में शारीरिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत समाज बनाने के लिए इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। मॉर्निंग में लोग वॉक करते हैं संयुक्त रूप से, पहले भी लोग शारीरिक गतिविधि व्यायाम करते रहे हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड महिलाओं के लिए होने से एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संदेश। इंडिया का मशहूर और जाना माना मेडिकल ब्रांड मेदांता जुड़ गया है दरभंगा के रहमगंज में जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने अवस्थित बिहार के बेस्ट डायबिटिक सेंटर ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के साथ। इस रविवार 26 जून 2022 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्डियक सर्जरी एवं गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक में मरीजों से रूबरू रहेंगे मेदांता के कार्डियक सर्जन हार्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अमित चंद्रा एवं सीनियर डायरेक्टर इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड हेपेटोबिलियरी साइंसेज डॉक्टर राजेश पुरी। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्लोबल हेल्थ केयर डायबिटीज रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार ने इसे मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक अवसर बताते हुए इसका लाभ उठाने की अपील की। हम लोगों ने ग्लोबल हॉस्पिटल में कार्डियक और गैस्ट्रो की मरीजों के लिए व्यवस्था शुरू की है, जिसमें मेदांता के सहयोग से हर एक महीने कुछ डॉक्टर आएंगे जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। इस क्रम में इस बार जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कार्डियक में आ रहे हैं डॉक्टर अमित चंद्र, जो कि डायरेक्टर हैं हार्ट इंस्टीट्यूट के वहाँ पे मेदांता में, वो आ रहे हैं। और साथ में राजेश पुरी जी आ रहे हैं, डॉक्टर राजेश पुरी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डायरेक्टर हैं। इन दोनों के द्वारा जो है रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये सुविधा दी जाएगी, जिसमें ओपीडी चलाई जाएगी। तो वैसे मरीज जिनको दिल से संबंधित कोई बीमारी हो, दिल में सीने में दर्द होता हो, जकड़न होता हो, या पहले से उनको पता हो कि उनको हार्ट की बीमारी है, या बाईपास हुआ हुआ है, या बाईपास बताया गया है, स्टेंट लगा हुआ है या स्टेंट के लिए बताया गया है, वैसे मरीज आकर के यहाँ पर अपना संपर्क कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि उनका जो है आगे बेहतर क्या इलाज हो, उससे ये हो सकता है। उसी क्रम में जो है राजेश पुरी जो डायरेक्टर हैं गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी के, उनके द्वारा जो है पेट से संबंधित मरीजों का इलाज किया जाएगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में, अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, साड़ी लहंगा मेंस वियर लेडीज वियर किड्स वियर सूट और सूट पेस। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी, तो आइए हमारे पास
प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम, डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए, लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता सबसे अच्छा। दरभंगा में लगातार 13 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर मशहूर ब्रांड किलर का एक्सक्लूसिव शोरूम अब अपने नए एड्रेस पर गामी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने मशरफ बाजार दरभंगा में। तो आइए नए लुक, नई डिजाइन और नए स्टॉक के साथ किलर के जींस, शर्ट और टी शर्ट की करें शॉपिंग बिल्कुल अनोखे अंदाज में। मनाइए शादी विवाह और लग्न की खुशियां हमारे साथ, वह भी आकर्षक और मनमोहक डिजाइन एवं आपके बजट के अनुरूप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय। लहंगा चुन्नी, सूटिंग शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, बेडशीट एवं पर्दे खास आपके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSC KVPY ओलंपियाड, के सर द्वारा संचालित। ग्लोरियस 37 ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशन आर फ्री। फिर दिन दहाड़े हुई बैंक लूट, वैशाली में बंधन बैंक में बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटे लाखों रुपए, जांच में जुटी पुलिस। यह बड़ी खबर बिहार के वैशाली से आ रही है, जहां अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में चूक नहीं रहे। गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को मानो खुलेआम दे रहे हों चुनौती। ताजा मामला महनार बाजार के पटेल चौक का है, जहां बंधन बैंक से दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए लूट लिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बेखौफ अपराधियों ने पिस्तौल एवं चाकू की नोक पर महनार के पटेल चौक स्थित बंधन बैंक की शाखा से 3 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना की सूचना पर महनार के SDPO, थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए हैं। हालांकि पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, अपराधियों की इसी आधार पर पहचान की जा रही है। अपराधियों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की और उनके मोबाइल भी लूट लिए। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 अपराधी बंधन बैंक की पटेल चौक शाखा में घुसे, उस समय बैंक के अंदर 8-9 की संख्या में ग्राहक भी मौजूद थे। अपराधियों ने सभी ग्राहकों को एक किनारे कर दिया, उसके बाद लूट की इस घटना को अंजाम दिया। 3 अपराधी मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, जबकि एक ने गमछे से अपना मुंह ढक रखा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपनी ही चाची की हत्या के आरोपी ने किया थाने में आत्मसमर्पण, 1.5 महीने से भी अधिक समय से था फरार। शहर दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शुभंकरपुर अवस्थित बद्रीनाथ मंदिर के निकट पिछले 1 मई को मनोज महतो की पत्नी विभा देवी की निर्मम हत्या के आरोप में मृतक महिला के भतीजे रवि ने नगर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। तकरीबन 1.5 महीने से अधिक समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस द्वारा आगे की न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। बताते चलें कि पिछले 1 मई को विभा देवी का विवाद अपने पड़ोसी विनोद महतो की पत्नी किरण देवी से हो गया। दोनों के बीच काफ़ी बहस हो रही थी। दोनों के बीच हो रहे गाली गलौज को सुनकर विनोद महतो का पुत्र रवि बाहर निकला और मनोज महतो की पत्नी विभा देवी को ताबड़तोड़ चाकू मारने लगा। बताया जाता है कि उसने विभा देवी के पेट, पीठ, कंधे आदि कई जगहों पर वार करके उसके शरीर को गोद डाला। जब तक लोग कुछ समझ पाते और महिला को रवि के चंगुल से छुड़ा पाते, रवि विभा देवी को धक्का देकर भाग गया। बताया जाता है कि उसने चाकू को वहीं नदी में भी फेंक दिया और 1.5 महीने के बाद थाने में पहुंचकर उसने आत्मसमर्पण किया है। तो चाची की हत्या के आरोपी का घटना के 1.5 महीने बाद रहस्यमय ढंग से थाने में हुआ आत्मसमर्पण। कितना दिन कहाँ थे तुम?
जी सर, हम इतना दिन यहीं पे थे, कहीं गए नहीं, भागे नहीं थे। अच्छा, तो फिर पुलिस को आज सरेंडर किए इतने दिनों के बाद? जी सर, सरेंडर किए, कुछ मजबूरी है जो करना पड़ा है। अच्छा, कुछ आदमी मजबूर किए हैं हमें, तो हमें करने पे मजबूर किया। ये जो अपराध आपने किया है उसके बाद जो भागे, इस पर आपको क्या कहना है? जी सर, हम भागे नहीं थे, इसमें जो मर्डर हम नहीं किए थे, इसमें मर्डर कोई दूसरा आदमी किया हुआ, हमें भागने का कारण है सर। इतने दिनों से कहाँ थे आप? इतने दिनों से सर मैं यहीं पे था।